मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने आमजन के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन से आम जनता अपनी समस्या दर्ज करा सकेगी। आपको बता दें कि जनसंपर्क मंत्री ने आज पत्रकारों से चर्चा में बताया कि आमजन की समस्या के निवारण के लिए हमने अधिकारी भी तैनात किए, तो वहीं जन समस्या के निदान के लिए कांग्रेस सरकार भी अपने कार्यकर्ताओं की मदद लेगी। साथ ही अलग अलग विभाग पर कामों पर नजर रखने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता भी तैनात होंगे। और क्या कुछ कहा है दिखाते हैं आपको भोपाल से हमारे संवाददाता अमर वर्मा की है रिपोर्ट। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है आपके विधानसभा क्षेत्र। नहीं, ये टोल फ्री नंबर 8982464232 ये काफी पहले में जारी किया है, जिससे जो भी समस्याएं लोगों की, सभी तरह की समस्याओं, वो उस नंबर पे लोग उस समस्या को बता देते हैं और उसको तुरंत हमारे यहाँ का स्टाफ उस कंसर्न विभाग को वो भेज देता है। और फिर उनको ये भी कहा गया कि इसमें क्या हुआ, आपने क्या एक्शन लिया और क्या उसकी पोजीशन है, वो भी अपडेट करते हैं। इससे लोगों की परेशानियाँ काफ़ी दूर हो रही कि वो अपने घर से ही अपनी समस्या को भेज देते हैं। और जो हमारी टीम है, जिस नगर निगम का है या नजूल का है, वहाँ उस चीज़ को करती है और फिर उसको अपडेट लेती है और अपडेट उसको वापस भी उस नंबर पर करती है जो कॉल करता है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने कई बार बयान दे रहे हैं कि अब तो क्रिकेट खेलना सीखे हैं, बंगाल में लगाऊँ, उस पर मध्यप्रदेश की बारी आएगी, तो फिर इस तरह से बयानबाजी क्यों? विधानसभा में देख ही लिया है कि वो बीजेपी के कांग्रेस के समर्थन में क्रॉस वोटिंग करते, फिर भी कैलाश विजयवर्गीय क्रिकेट खेलना सीखे, समझ में नहीं आया। हाँ, उनका बेटा जरूर खेल रहा है क्रिकेट बैट से, तो मैं नहीं समझता कि वो वाली बात कर रहे हैं क्या कि जैसे आकाश विजयवर्गीय क्रिकेट खेल रहा है वैसे बाकी लोग भी खेलें बीजेपी के, ये अंदेशा तो नहीं है। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता बार बार ये बयानबाजी करते हैं इस तरह की, उनको एक चीज़ मान लेना चाहिए और मेरी सलाह है उनको कि ये कमलनाथ जी की सरकार है। जिस तरह से दो विधायकों ने समर्थन किया और भी खड़े हुए हैं समर्थन करने के लिए, ये सरकार पूरी चलेगी 5 साल और एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, हमको एक कॉरपोरेट मुख्यमंत्री मिले हैं जो मध्य प्रदेश में निवेश का जाल बिछा देंगे, जिस तरह से उन्होंने एयरलाइंस का जाल बिछाया है, तो इससे मध्य प्रदेश का विकास होगा। एक आम किसान मजदूर से लेकर हर जाति वर्ग का, जिस तरह से उन्होंने OBC का 27% का रिजर्वेशन किया है, जिस तरह से सवर्ण का 10% का किया है, किसानों को कर्ज माफ़ी की है, तो ये एक उनको पूरा मौका दें और ये मध्य प्रदेश की जनता इससे लाभान्वित होने वाली है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश की जनता के बीच में न आए भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता, ये मेरा निवेदन है। ये पुख्ता सरकार है, इसे काम करने दें। ये फिजूल के स्टेटमेंट और देना और एक रोड़ा अटकाना, ये विश्वासघात होगा मध्य प्रदेश की जनता के साथ, जिन्होंने 5 साल के लिए कमलनाथ जी को और उनकी सरकार को चुनाया। निश्चित तौर पर जो जहां 526 टाइगरों के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आया है, इन सब निश्चित तौर पर इनसे बड़ा शेर और इनसे बड़ा टाइगर आज की तारीख में और मध्य प्रदेश कोई नहीं है। सर, सत्ता ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।